नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी तीज हड़तालिका तीज आ रही है। भद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को यह तीज मनाई जाती है। हड़तालिका तीज की प्रथा सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हड़तालिका तीज का व्रत किया था, और इसी कारण मान्यता है कि यह व्रत करने वाली महिलाएं देवी पार्वती के समान सुख पूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त करती हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुख में बनता है और पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और सदा सुहागन रहने के लिए यह व्रत करती हैं, जबकि कुमारी कन्याओं को इससे मनचाहा वर प्राप्त होता है। लेकिन इस व्रत को पूरा विधि विधान से और सही तरीके से करने पर ही लाभ मिलते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हड़तालिका तीज की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही प्रदोष काल के समय के बारे में, और पूजा की विधि के साथ ही व्रत से जुड़े कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में बताएंगे, जिनके बिना आपका व्रत अधूरा रह सकता है, और बताएंगे इस दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं। इस व्रत से जुड़ी हर चीज के बारे में आप इस वीडियो में जान पाएंगे, तो इसे आखिरी तक जरूर देखें और विधिवत तरीके से व्रत करके माँ पार्वती से सुखी समृद्धि पारिवारिक जीवन का आशीर्वाद पाएं। और कमेंट बॉक्स में जय माँ पार्वती लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हड़तालिका तीज का व्रत सुबह से लेकर रात तक रखा जाता है। हड़तालिका तीज के दिन तीज माता की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह और प्रदोष काल के समय दोनों ही समय में पूजा जरूर करनी चाहिए। इस पर हड़तालिका तीज व्रत 30 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन सुबह 6:30 से लेकर सुबह 8:33 तक हड़तालिका तीज की पूजा होगी। वहीं शाम 6:33 से रात 8:51 तक प्रदोष काल होगा। प्रातः काल स्नान करने के बाद सुबह को व्रत का संकल्प लेकर पूजा करने के लिए भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान गणेश की रेत और काली मिट्टी मिलाकर प्रतिमा बनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से रखा जाता है। इस व्रत के कुछ जरूरी नियम होते हैं, जिनके तहत कुछ खास सामग्री का होना जरूरी होता है। इनके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। क्या है वह सामग्री, आइए जानते हैं। आपको चाहिए सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शमी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फूल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, घी, कपूर, गंगाजल, दुर्वा, जनेऊ आदि। हड़तालिका तीज पर सुहाग सामग्रियों का बड़ा महत्व है। सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, काजल, चूड़ी, कंघी, महावर आदि को शामिल करें। दोस्तों, तीज के दिन एक चौकी पर साफ पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान की सभी प्रतिमाओं को स्थापित करके उनका विधिवत पूजन किया जाता है। तिलक लगाकर श्रृंगार किया जाता है। माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं, मौसमी फल आदि अर्पित किए जाते हैं। धूप दीप पूजा करके मंत्रों का जाप किया जाता है। इस दिन मीठे का भोग लगाया जाता है। मालपुए का या दूध से बनी मिठाइयों का भोग इस दिन आप लगा सकते हैं। सबसे अंत में व्रत की कथा पढ़कर यह सुनकर आरती की जाती है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। जो लोग इस पूरे दिन निर्जल ना रह पाए, तो रात के समय आप पूजा करके आचमन जितना पानी पी सकते हैं, फलाहार भी खा सकते हैं। आप अगर निर्जल रहकर व्रत रखने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे में आप जब भी सुबह को व्रत रखें, तो उस समय आप जल के साथ वैसे व्रत को रखने का संकल्प भी ले सकती हैं। हड़तालिका यह शब्द पार्वती के भगवान विष्णु से विवाह करने से बचने के लिए खुद का अपहरण करने के कार्य से आया है। यह वह दिन था जब भगवान शिव ने पार्वती के 108 पुनर्जन्म के बाद अंत है अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, और इसी कारण यह दिन भगवान शिव और पार्वती के बीच के बंधन और रिश्ते को भी मनाते हैं। इसलिए इस दिन उन दोनों की पूजा देवी पार्वती की कड़ी तपस्या और संपन्न के लिए तीज माता के रूप में की जाती है। कुवारी कन्या अगर इस व्रत को रखती हैं, तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है, भगवान शिव जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है, उनकी संतान की रक्षा होती है। कहते हैं जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, उन्हें हड़तालिका तीज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर 21 बेलपत्र अर्पित करके पार्थिव शिवलिंग की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान शिव और देवी पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। वर और वधु की तरह आप माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में चुनरी बांधकर गठबंधन कर सकते हैं, जिसमें 3 गांठें लगाई जाती हैं। आप कलावे से भी गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन करने के साथ ही आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, कोई फल या मिठाई अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ओम उमा महेश्वरय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करने से जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है, वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है। हड़तालिका तीज व्रत सफलता पूर्ण तरीके से करने के लिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। अगर आप यह व्रत पहली बार रख रही हैं, तो यह बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हड़तालिका तीज का व्रत बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह ही किया जाता है। ये व्रत निराहार और निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में सुबह के समय सरगी खाई जाती है। अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी रखते हैं, तो भी शिव पार्वती की पूजा अवश्य करें। व्रत की कथा पढ़ें, यह
सुनने की मान्यता है कि अगर कोई भी कुंवारी या विवाहित महिला एक बार इस व्रत को रखना प्रारंभ कर देती है तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना ही होता है। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही आप इस व्रत को बीच में छोड़ सकती हैं। अगर किसी महिला को इस दिन मासिक धर्म आ जाता है तो ऐसी अवस्था में भी आपको यह व्रत रखना होता है। ऐसे में आप खुद पूजा ना करें, घर के किसी अन्य महिला या कन्या से इस दिन पूजा करवाएं, फिर दूर बैठकर व्रत की कथा सुनें। आप मानसिक पूजन, मन में मंत्रों का जाप आदि कर सकती हैं, उपवास रख सकती हैं, बीमार होने पर भी दूसरी महिला से यह व्रत करवाएं और इसके बदले आप उन्हें सुहाग का सामान और दक्षिणा भी जरूर दें और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके उनसे व्रत ना रखने की क्षमा याचना करें। फिर अगले साल आपको यह व्रत रखना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में व्रत खत्म होते ही जल ग्रहण करने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि जिस तरह का पदार्थ इस दिन ग्रहण किया जाता है उस पदार्थ की प्रकृति के अनुसार व्यक्ति का अगला जन्म अनुरूप योनि में होता है। तो अगर आप धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो व्रत के दौरान यह सब करने से बचे। तीज के व्रत के दौरान जब गुड़ का सेवन करने से बचे, इससे नींद आने की समस्या बढ़ जाती है। व्रत में मांसाहार का सेवन करने की भी सख्त मनाही है। मांसाहार से जीव हत्या होती है जिसे व्रत खंडित होता है। व्रत में प्याज और लहसुन जैसे दुर्गंध वाले चीजों का सेवन करने से भी बचे। हड़तालिका व्रत के दौरान महिलाएं पूरे दिन ना सोए और रात्रि में भी एक साथ मिलकर यथासंभव रात्रि जागरण करें। जाकर मिट्टी के बनाए शिवलिंग के प्रेयर अनुसार पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर महिलाएं इस व्रत के दौरान सोती हैं तो उन्हें अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पूजा के अलावा महिलाएं रात भर जाकर भजन कीर्तन भी करती हैं। इस व्रत के दौरान हड़तालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। हमारे इस चैनल पर व्रत की कथा उपलब्ध है, उसे सुनने का लाभ उठाएं। हड़तालिका तीज व्रत के दिन महिला को घर पर कलह कलेश नहीं करने चाहिए, अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के तीज के व्रत से एक दिन पहले हाथों में मेहंदी इसलिए लगाई जाती है ताकि मन शांत और ठंडा रह सके। इस दिन बड़े बुजुर्गों का भी अपमान करने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत का लाभ आपको नहीं मिलेगा। शिवजी, माँ पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को अगले दिन सुबह विधिवत तरीके से विसर्जित करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं इस दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं। हड़तालिका व्रत में सूर्योदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सर्गी करती हैं। सर्गी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सर्गी सास द्वारा बहू को दिया गया भेंट और आशीर्वाद होता है। सास अपनी बहू को सर्गी की थाली देती है। इसमें सूखे मेवे, फल और सुहाग का सामान होता है। व्रत शुरू करने से पहले इसे खाया जाता है जिससे कि पूरे दिन व्रत में थकान और भूख प्यास ना लगे। वैसे तो सर्गी की प्रथा पंजाबी समुदाय में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इसे अपनाया है। सर्गी में आप फलों के रस, नारियल पानी, सूखे मेवे और मुरब्बा खा सकती हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। साथ ही व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। तीज का निर्जला व्रत शुरू करने से पहले खीरा खाना अच्छा माना जाता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। नारियल पानी, अनार का रस आदि भी पी सकते हैं। इसे व्रत के दौरान भरपूर ऊर्जा मिलेगी। नारियल पानी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं। अनाज के जूस में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसका सेवन करने से प्यास नहीं लगती है। हड़तालिका तीज के अगले दिन यानी चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से ना करें। आप पानी, शरबत, फल या मीठे से व्रत खोले। पारण में पानी धीरे धीरे पिएं। फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें। इसका सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुंह में डालें। इस मंगलवार के दिन तीज है तो कोशिश करें कि सोमवार की रात को भोजन जल्दी कर लें ताकि खाना आसानी से पच सके। रात में पूरी नींद लें जिससे आप अगले दिन पूरी ऊर्जा के साथ व्रत और पूजा कर सके। माता पार्वती आपको व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने की भरपूर शक्ति दे। कमेंट बॉक्स में जय माँ पार्वती अवश्य लिखें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।